सो ये गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी हमारे रिसेंटली पे बनाया, हम जा रहे हैं खाटू श्याम। हमारा बहुत टाइम से मन था खाटू श्याम जाने का, तो आज हम जा रहे हैं। अभी रात हो चुकी है बाहर, तो अब हम निकल रहे हैं, रात में सुबह तक पहुँच जाएंगे। तो गाइस हम पहले भी जा चुके हैं खाटू श्याम, पर मैं उस टाइम व्लॉग नहीं बनाता था, तो आपको दर्शन भी कराएंगे हम खाटू श्याम के। तो अभी गाइस बताओ क्या है, तो अब पहले जो हम बुकिंग से जाते थे खाटू श्याम, अभी बुकिंग से नहीं जाते, अभी जब मर्जी तब जा सकते हैं हम। संडे को भी खुला रहता है, पहले संडे को बंद रहता था, अब संडे को भी खुला रहता है, जब मर्जी हम तब जा सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं, तो चलो अब चलते हैं। निकल रहे हैं यहाँ से, मम्मी ताला लगा रही है, हमने सब कार में रख लिया है, बलिनो में जा रहे हैं हम अपनी। तो चलो अब आपसे कार में मिलेंगे। क्योंकि हमारे साथ नानी भी जा रही है खाटू श्याम में, ये नानी को। तो अब हम जा रहे हैं अंदर, यहाँ पे डॉगी भी है हमारा, आपको दिखाऊंगा अभी, देखो वही आएगा भाग के। सबसे पहले दिखाता हूँ आपको गाइस, आपको पता ही होगा हम नानी के घर पे आए थे, और अब तो रात हो चुकी है, रात के 1 बज रहे हैं अभी, तो सारे सो चुके हैं। मैं रसोई में आके व्लॉग कर रहा था किचन में। तो अब हमारा प्लान है सुबह जाने का, क्योंकि रात हो चुकी है, लेट नाइट ड्राइव करना सही नहीं है, पापा को भी नींद आती है। तो अब हम मॉर्निंग के टाइम पे जाएंगे सुबह जल्दी उठ के। तो चलो अब मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है गुड मॉर्निंग, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, और अब हम नानी के घर से निकल रहे हैं, और हम सुबह के 5 बज रहे हैं, पूरी रात हो रही है बाहर। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से खाटू श्याम के लिए, तो चलो अब आप चलते हैं। तो हम कार में बैठ चुके हैं और निकल रहे हैं यहाँ से, तो चलो चलते हैं। कचौड़ी वाला पे भूख लग रही थी, सुबह से कुछ नहीं खाया, तो देखते हैं इस पे क्या मिलेगा। तो चलो अंदर चल के देखते हैं। तो गाइस ये है रिंगस का पुल, यहाँ से उतरते ही सामने निशान आ जाते हैं, वहाँ पे से फिर जाते हैं बाबा के मंदिर। देखो वहाँ पे वो रेलवे स्टेशन है, ये देखो यहाँ से लेफ्ट मुड़ते हैं तो खाटू श्याम जी का मंदिर आ जाता है।
और यहाँ पे देखो यहाँ से निशान उठाए जाते हैं। देखो यहाँ पे कितने बड़े बड़े निशान हैं, इनको उठा के बाबा के मंदिर लेके जाते हैं पैदल पैदल। तो गाइस मैंने ये वाला लिया है ब्लू कलर का अपनी शर्ट से मैचिंग, और अब हम जाएंगे पैदल पैदल यहाँ से निशान चाहेंगे ना। देखो चलो आप सब थोड़ी देर में मिलते हैं। सो गाइस अब हम निकल गए यहाँ से, हमें जाना है 18 किलोमीटर पैदल, वो भी नंगे पैर। देखो हम नंगे पैर हैं, हमें जाना है। दीदी आई बोलो मत बोलो, तो आपको दिखाएंगे हम पैदल जाएंगे पूरा। पापा कार में जा रहे हैं क्योंकि कार में कौन रहता फिर, कहीं खड़ी तो कर सकते नहीं है, तो पापा कार में धीरे धीरे जाएंगे ऐसे होगा, और हम सारे पैदल जा रहे हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, मतलब खाटू श्याम नहीं, मतलब मैं फर्स्ट टाइम निशान लेके जा रहा हूँ पैदल। हम हमेशा कार में जाते थे, मैं तो फर्स्ट टाइम पैदल जा रहा हूँ, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होगा। तो चलो चलते हैं। सो गाइस हमारे अब 7 किलोमीटर पूरे हो गए, हम तो चले ही जा रहे हैं बहुत देर से, तो अब और चल रहे हैं। तो चलो अब आपको भी दिखाते हैं, चलते हैं। तो गाइस अभी हम चल के रहते थे तो पैर में दर्द हो गया था, तो हम थोड़ी देर चेयर पे बैठे हैं यहाँ पे। ये हमारे सबके हाय बोल 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 दे, ये कभी हाय नहीं बोलती मेरे व्लॉग में, पता नहीं इसको क्या है। हम बैठे हैं, पैर में दर्द हो गया बहुत अभी तो, ये पागल बन तू, अभी तो बहुत देर, अभी तो 10 किलोमीटर रह गया, अभी देखते हैं कब तक पहुँचेंगे। अभी तो सुबह हो रही है, आई थिंक शाम तक पहुँच जाएंगे वहाँ पे गेट पे, फिर दर्शन करके होटल में रुक जाएंगे हम। तो चलो आप सब थोड़ी देर में मिलते हैं। सो गाइस हमने अब यहाँ पे दोबारा रेस्ट लिया है, यहाँ से 9 किलोमीटर रह गया खाटू श्याम। पैरों की तो इतनी हालत ख़राब हो गई, लग रहा है कि पैर ही भी इतना दर्द हो रहा है पैर में, क्या बताया। चलो चलते हैं आगे, 9 किलोमीटर रह गया यहाँ से, थोड़ी देर में आ जाएगा, 1-2 घंटे में आ जाएगा। चलो चलते हैं गाइस, अब तो हालत ख़राब हो चुकी है, बाल देखो कैसे हो गए, इतनी हालत ख़राब, पैर तो ऐसा लग रहा है ही नहीं, कट गए पैर, इतनी बुरी हालत रखी है, ऊपर से मिट्टी में चलना पड़ रहा है और दर्द होता है पैरों में। अभी यहाँ से 8 किलोमीटर रह गया, 1-1 किलोमीटर करने में ही कितना टाइम लग रहा है भाई, हालत ख़राब हो गई। चलो भाई चलते हैं, आप देखते हैं कितना टाइम लगता। चलो तो गाइस ये मैं थोड़ी देर के लिए अपनी कार में आके बैठ गया, तो ये रहा मेरा प्लान, मैंने ऊपर निकाल रखा है। पैर में इतना दर्द हो गया अब क्या ही बताऊँ, पूरे बहुत ही दर्द हो गया पैर में, एक तो मिट्टी में चलना पड़ रहा है, ऊपर से कांटे चुभ रहे हैं, इतना दर्द हो गया, इसलिए मैं थोड़ी देर गाड़ी में आके बैठ गया, देखते हैं कब तक पहुँचे। सो गाइस अभी हम रोड पे चल रहे थे, हमें देखो क्या देखा, हल कितना बड़ा, ओ भाई, और इसका नाम है गोल्डन वाटर पार्क, और यहाँ पे अभी तो ताला लगा हुआ बंद है ये। और अभी हम गाइस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं खाटू श्याम बाबा के टेंपल में, आपको भी दर्शन कराएंगे खाटू श्याम बाबा के। और अभी थोड़ी देर में 40-50 मिनट का रास्ता रह गया, 5-6 किलोमीटर है अभी, तो चलो अब चलते हैं। गाइस देखो ये, देखो ये है गेट, इसको देख के जो सुकून मिला ना, आए हाय मज़े से आ गए, एक 5 घंटे से इसको देखने के लिए तरस रहे थे, अब दिखाए आके। पर यहाँ से ही मंदिर अभी 2 किलोमीटर रह जाता है, ये मेन गेट है खाटू श्याम। देखो अब तो सारा दर्द खत्म हो गया, ये देख के बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा।
दर्शन करके आ जाएंगे, तब रुकेंगे होटल में, और कल जाएंगे हम सालसर बालाजी। देखते हैं अगर प्लान बना तो चले जाएंगे, वरना तो आ जाएंगे, पर सालसर बालाजी जाएंगे आई थिंक। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है देखो अभी, ये मुझे लग रहा है और अच्छा बनाएंगे, पेंट वेंट करके इसको। भाई ये कैसे बना, ये क्या हो गया भाई? कैसे कर रहा है, लेट गया पूरा। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं खाटू श्याम में, ये खाटू श्याम की मार्केट देखो, यहाँ पे सारी सामान मिलती है, लड्डू गोपाल के प्रसाद, कपड़े, और हम जा रहे हैं मंदिर में। आप बिना बुकिंग के आ सकते हैं यहाँ पे, बुकिंग नहीं कराई है तब भी। गाइस देखो ये है मंदिर खाटू श्याम बाबा का, ये देखो, पर यहाँ से नहीं जाते, गली दिख रही है, सो घूम के पूरा जाते हैं, यहाँ से रास्ते जाने नहीं देते, यहाँ से कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पे, क्योंकि अब बुकिंग से नहीं आते ना, पहले तो बुलाते थे। गाइस देखो जो हमने निशान लिया था ना, वो यहाँ पे चढ़ता है, हमने भी चढ़ा दिए, देख कितने लोगों ने चढ़ा रखा है, नारियल बांध रखी, यहाँ पे भीड़ लग चुकी है, यहाँ लाइन ही निकल, और वहाँ पे है बाबा का मंदिर, वो आपको शेर दिख रहा है, वो वहाँ पे है बाबा का मंदिर, घूम के जाएंगे, देखते हैं कब नंबर आएगा। एक तो इतना देर शहर में दर्द हो रहा है, ऊपर से खुल ही नहीं रहा, देखो पढ़ाए पूरे में खुल ही नहीं रहा, अब तो और ज्यादा भीड़ लग गई। यहाँ से होती है वीआईपी एंट्री, वो शटर देख रहे हो, वो शटर खुलता है और वीआईपी एंट्री होती है। अभी हम तो नीचे बैठ गए हैं, देखो यहाँ पे आलती पालती मार के और भीड़ बढ़ते जा रही है, वो बोल रहे हैं आधे घंटे तक होगा ही नहीं दर्शन, क्या करे, सुबह से चल रहे हैं, पैर में दर्द हो गया, बैठ ही जाते हैं। खुल गए, चलो अब चलते हैं, बहुत शोर हो रहा है, चलो चलते हैं। ये रहा खाटू श्याम बाबा का मंदिर, इतना अच्छे से जा रखा है, अंदर से अगर दिखाने दिया तो दिखाऊंगा थोड़ा बहुत, वरना तो थोड़ा बहुत तो दिखाई दूंगा आप सबको, क्योंकि दिखाने नहीं देते ना अंदर, पुलिस खड़ी रहती है, फोन ले लेते हैं, अंदर वीडियो शूट करना अलाउड नहीं है। ये है राम जी का मंदिर, ये खाटू श्याम बाबा का। चलो आपको अंदर से देखता हूँ, दर्शन कराता हूँ, कितनी भीड़ है देखो, आपको देख दो, कोशिश करता हूँ अंदर से दर्शन कराने की आपको खाटू श्याम बाबा, रुकूंगा इस, कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, दिखाने दूंगे तो।
अच्छे होंगे गाइस, तो देखता हूँ कोशिश करके। अच्छा अच्छा दिख रहे दर्शन तो कर ही लिए होंगे और हम निकल रहे हैं मंदिर से, तो चलो अब चलते हैं। आपने दोनों दर्शन कर लिए होंगे खाटू 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 महाराज के, भी आपने दर्शन कर लिए होंगे खाटू श्याम बाबा के, अच्छे से दर्शन हो गए। इस बार तो पिछली बार तो हबड़ तबड़ से बहा रहे थे, इस बार अच्छे हो गए, तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से, तो चलो चलते हैं। थंबनेल की बारी, तो अभी हम खा रहे हैं भेलपूरी यहाँ से, कड़ी कचौड़ी भी मिलती है। अब हम जा रहे हैं होटल पे, सो अभी हम आए हैं यहाँ पे होटल रूम बुक करने के लिए। देखो हम तो हर बार इसी में रुकते हैं, जब भी आते हैं हम, जब भी खाटू श्याम आते हैं हम तो इसी होटल में रुकते हैं हमेशा। अभी भी रुक रहे हैं, पापा बुक कर रहे हैं होटल, फिर जाते हैं। भाई साहब परेशान हो गए सुबह से, तो बाबा के दर्शन भी अच्छे हो गए आज तो। चलते हैं, चलो अब आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। मैं फंस गया, मेरे को फंसा दिया सबने। ओह थोड़ी सांसती आई, सो गाइस देखो ये हमारा रूम पूरा ग्रीन कलर का, ये बाथरूम, बाथिंग एरिया, वाओ रूम भी ग्रीन, शैम्पू भी ग्रीन, एक्सीलेंट। मेरी बहन लड़ाते हुए। सो गाइस अभी हमने मंगाई चाउमीन, पाव भाजी, चाट और ढोकला। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो खाएंगे, फिर आपसे दोबारा मिलेंगे। तो भाई मुझे शादी हो रही है, वो बैठा तो लाके डांस कर रहे थे। छोले और इसके अंदर है पनीर की भुर्जी और इसके अंदर है राइस गरम होता है, इसके अंदर है दाल मखनी और वहाँ पर नान और तवा रोटी, और हम खाएंगे फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। सो गाइस अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और मैं रात को वीडियो एंड करना भूल गया था, क्योंकि हम सारे रात को लेट हुए गए थे, पैर में दर्द हो रहा था इतना, तो सारे सो गए खाना खा के। और अभी हम जा रहे हैं सालासर बालाजी, तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आपसे ऐसे अच्छे से व्लॉग में मिलते हैं, बाय। हम सालासर बालाजी जा रहे हैं अभी, वो आप देखोगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।